भारत और इंग्लैंड का दौरा अब समाप्त हो चुका है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट सीरीज को बराबर समाप्त किया, तो वहीं T20 और वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। अब भारतीय टीम वेस्टइंडीज के लिए रवाना होगी और टीम इंडिया वेस्टइंडीज के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम का ऐलान दोनों ही सीरीज के लिए पहले ही कर दिया गया है। वनडे सीरीज की कप्तानी शिखर धवन को दी गई है और उपकप्तानी रविंद्र जडेजा के हाथों में है। बात करें अब वेस्टइंडीज की टीम की, तो वेस्टइंडीज की टीम का भी ऐलान कर दिया गया। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने वनडे सीरीज के लिए अपनी 13 सदस्यीय टीम का ऐलान किया और कई खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई। साथ ही निकोलस पूरन को टीम का कप्तान बनाया गया। आपको बता दें कि 22 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज शुरू होगी। 22 जुलाई को पहला मुकाबला खेला जाएगा, वहीं 24 जुलाई को दूसरा मुकाबला होगा, तो 27 जुलाई को सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 7 बजे शुरू होंगे। बहरहाल बात करें अगर मुकाबलों में और वेस्टइंडीज की टीम की, तो वेस्टइंडीज की टीम ने हाल ही में बांग्लादेश के साथ सीरीज खेली, जहां टीम को 0-3 से सीरीज गंवानी पड़ी और बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ उसी के घर में क्लीन स्वीप किया। तो ऐसे में वेस्टइंडीज क्रिकेट ने किसी भी तरीके का रिस्क ना लेते हुए इंडिया के खिलाफ कई अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया है। बहरहाल बात करें अगर टीम की, तो टीम में जेसन होल्डर की वापसी हुई है। इसके अलावा टीम की कप्तानी निकोलस पूरन को और उपकप्तानी शाई होप को दी गई है। आपको बता दें कि टीम में रोमन पवल, जेसन होल्डर पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। कई युवा खिलाड़ी इसमें शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल भी खेला था, तो ऐसे में खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा वेस्टइंडीज क्रिकेट ने 2 खिलाड़ियों को बतौर रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर चुना है। शेफर्ड और हेडन वॉल्श जूनियर के साथ में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। वहीं मैं आपको बता दें कि चयनकर्ताओं ने जेसन होल्डर की वापसी के साथ कहा है कि उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है और उम्मीद होगी कि वह टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करे। बहरहाल बात करें अगर पूरी टीम की, तो वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी निकोलस पूरन, उपकप्तानी शाई होप के साथ टीम में अन्य खिलाड़ी शमारा ब्रुक्स, केसी कार्टी, जेसन होल्डर, कील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, काइल मायर्स, गुडाकेश मोती, किम पॉल, रोमन पॉवेल, जेडेन सिल्स शामिल हैं। रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रोमारियो शेफर्ड, हेडन वॉश जूनियर शामिल हैं। बता दें कि 13 सदस्य टीम का ऐलान किया गया। इसके अलावा भारतीय टीम का ऐलान पहले ही हो चुका था। वहीं भारतीय T20 टीम की बात करें, तो कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होगी। T20 सीरीज वनडे सीरीज के बाद खेली जाएगी। बहरहाल क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और इस टीम पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, साथ ही आप कितना एक्साइटेड हैं जरूर हमें बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।